हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इट्स डील विथ एल्गोरिथम। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इट्स डील विथ डेटा। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा फंक्शंस में डिवाइड होता है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है। अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इट नीड्स लेस मेमोरी, लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इट नीड्स मोर मेमोरी देन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, इसमें हमारा टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा बॉटम अप अप्रोच फॉलो होता है। अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इट डज नॉट हैव एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो इसमें एक्सेस स्पेसिफायर हमारे होते हैं। ये हमारे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इसमें ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इसमें हमारा ओवरलोडिंग पॉसिबल है। हम चाहे तो फंक्शन या ऑपरेटर किसी भी तरीके से ओवरलोडिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग भी होता है एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा लेस सिक्योर होता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो ये हमारा हाईली सिक्योर होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा डेटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा डेटा हाइडिंग पॉसिबल होता है, इसमें हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। अगर हम बात करें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इसके एग्जाम्पल हैं सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, बेसिक एंड फॉर्ट्रान। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल की तो इसके एग्जाम्पल है जावा, C++ एंड पाइथन लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में इतना ही। हो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।